गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन्स इन 1808 ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई वाज डिस्कस्ड अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। After chemical combination, on the basis of chemical combination, John Dalton proposed his theory, known as Dalton's atomic theory, in 1808. According to Dalton's theory, he proposed that the main point of this theory is, first, first theory is matter is made up of extremely small individual particle called atom. Matter is made up of extremely small individual particle called atom. कोई matter, कोई substance जो कि एकदम छोटे smallest particle से बना है, जिसका कि फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका नाम जॉन डाल्टन रखा एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। फर्स्ट थ्योरी क्या था? मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, फर्स्ट थ्योरी। सेकेंड थ्योरी ये था, एटम्स सेकेंड थ्योरी ये था कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज सेम साइज, सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये हुआ कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। मान लीजिए कि कोई एलिमेंट हम लोग लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम लेते हैं आयरन। आयरन का छोटा से छोटा 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 पार्टिकल करके आप फर्श पर नीचे छोड़ दो, और एक हम लोग मैग्नेट ले जाकर के घुमा दे, तो जितना पार्टिकल होगा सब जो है उसमें अटैच हो जाएगा। तो इस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या है, आयरन का प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। और इसी बात को कह रहा है कि एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। कोई एटम होगा उसका सारा प्रॉपर्टी, इसी एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको एटम कहा उसमें, उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, एक जैसा प्रॉपर्टी होगा। लेकिन ये थ्योरी रॉन्ग हो गया बाद में, हम साथ साथ लिमिटेशन भी पढ़ाते चल रहे हैं। जैसे ही आइसोटोप्स का इन्वेंशन हुआ, आइसोटोप्स कहता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा। कैसे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को लीजिए, हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबका एटॉमिक नंबर एक ही है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। कार्बन के दो आइसोटोप्स मिले, कार्बन 12 एंड कार्बन 14, तो क्या हुआ? एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर चेंज हो गया। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स मिले, क्लोरीन 35.5 एंड 37.5। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का क्या है? सबका सेम है लेकिन मास नंबर चेंज कर दिया। तो ये थ्योरी जॉन डाल्टन का रॉन्ग था। हम लिमिटेशन भी साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। क्या था थ्योरी? एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, लेकिन सारे रेस्पेक्ट में सही नहीं हुआ। जैसे ही आइसोटोप्स का इन्वेंशन हुआ, ये थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तीसरा थ्योरी था, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कभी एक मिल नहीं सकता है, हाइड्रोजन
लिथियम से कभी नहीं मिल सकता है, मतलब दो एटम आपस में किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकते। किसने कहा? जॉन डाल्टन ने कहा। एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल स्पेस, बट जैसे ही आइसोबार का इन्वेंशन हुआ, आइसोबार क्या कहता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि कैल्शियम और आर्गन दोनों को देख लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। तो देखो दोनों दो एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है, कैल्शियम अलग है, आर्गन अलग है, कैल्शियम मेटल है, आर्गन इनर्ट गैस है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या हो गया? मिल गया। उसने कहा था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, सारे रिस्पेक्ट में अलग हुआ, लेकिन साहब देखिए दोनों का एटॉमिक मास तो मिल गया, तो ये थ्योरी भी रॉन्ग। इसकी जॉन डाल्टन पहले थ्योरी थी मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, एटम। दूसरा थ्योरी था एटम्स ऑफ सेम सब्सटेंसेस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। तीसरा थ्योरी था एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। फोर्थ था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एटम न तो बनाया जा सकता है और न तो इसको तोड़ा जा सकता, न इसका निर्माण होगा न ये डिस्ट्रॉय होगा। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन में देख लीजिए बनता भी है एटम और इसका डिस्ट्रॉय भी बनता है। फोर्थ थ्योरी ये दिया कि एटम्स एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या दिया? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये सारी थ्योरी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, इसको अच्छे से नोट कर लो, बार बार रिपीट करते हम बोले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।